नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खबर हाट। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और उसके लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये जो वीडियो आप मेरे इस तरफ देख रहे हैं ये कल शाम से लेकर बहुत वायरल हो रहा है। आप में से बहुत से लोगों ने ये वीडियो देख भी लिया होगा, मैंने भी देखा और मेरी तरह से आप लोगों ने भी जब इसे पहली बार देखा होगा तो शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि किस तरह से एक इंसान इस महंगाई की मजबूरी में पिस रहा है। लेकिन आलम यह है कि ये वीडियो दो दिन चलेगा, तीसरे दिन हम सब शायद भूल जाएंगे। अब इसी वीडियो के साथ एक और वीडियो है, उत्तर प्रदेश से आया है। ये दोनों वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, एक ही फ्रेम में दिखाऊंगा। एक तरफ ये मजबूर सब्जी वाला है तो दूसरी तरफ दबंग पुलिस वाला है जो उन मजबूर सब्जी फ्रूट वालों पे अपनी दबंगई दिखा रहा है। वो वीडियो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी का है, कब का है मुझे नहीं मालूम लेकिन अभी हाल का है इतना तय है। अब ये दोनों वीडियो आप देखिएगा, जो पुलिस वाले की दबंगई है उसको इस वीडियो में जो सब्जी वाला अपना दर्द बयां कर रहा है उसके साथ जोड़ के देखिएगा, उन फ्रूट वाले सब्जी वालों का बयान दर्द इसके दर्द के साथ जोड़ के देखिएगा, फिर आपको थोड़ा शायद कुछ और महसूस हो। टमाटर बहुत महंगा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब वहाँ जाके क्या भाव बिके, क्या भाव ना बिके, फिर हमें घाटा लग जाता है। जैसे मंदा अगर ढीला भी हो जाए या कुछ हो जाता है जैसे टमाटर, तो फिर घाटा लग जाता है, फिर हमें पेट गुजारा नहीं हो पाता। और गुजारा करने के लिए तो कुछ भी मिले सब, यानी सारी चीज़ें ही कुल मिला के महंगी हैं। जो भी चीज़ लेने जाओ वही महंगी है। अब हम यानी इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। सुबह में किनके, अपने बेटे के साथ आए थे आप? कोई बात नहीं, हमारी गुजर नहीं हो रही। कहाँ से आए हैं आप, कहाँ रहते हैं? जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी में रहते हैं? यहाँ दिल्ली में किराए पर रहते हैं। कितना किराया? 4,000। और कमाई? कमाई का तो 100 रुपये का भी हिल्ला नहीं, 100 रुपये भी, 100-200 रुपये भी टाट पड़ रहा है। ये वीडियो यूं तो आपने, मैंने पहले कहा, जैसे कई बार देख चुके, सैकड़ों बार देख लिया होगा, लेकिन आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आप मेरा परिवार हैं तो मुझे जब इस पे बात करनी है तो आपको ये दिखाना ज़रूरी था। साथ में ये पुलिस वाले का वीडियो दिखाना भी ज़रूरी था। एक को मौका मिला, उसका दया, उसका जो दर्द है वो उसके आंसुओं से, उसकी घुटन से और उसके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं उससे हम तक पहुंच गया। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके साथ इस पुलिस वाले ने वो किया जो इस सब्जी वाले से एक कदम आगे शायद मुझे लगता है। ये सब्जी वाला महंगाई की वजह से, पैसे की कमी की वजह से सब्जी नहीं खरीद पाया, टमाटर नहीं खरीद पाया और उस दिन की दिहाड़ी इसकी चली गई। और वो लोग जो दूसरी तरफ, दूसरे वीडियो में आपने देखे, उन्होंने सोची किस इस महंगाई के ज़माने में किस मजबूरी में वो फ्रूट, वो सब्जियां खरीदी होंगी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो है अपनी दुकानें रेड़ी जो है वो ज़्यादा बढ़ा रखी थी। इल्लीगल कही जा सकती कि आपने, उन्होंने जो है वो जितना एरिया पीछे, जितना पीछे होना चाहिए तो वहाँ नहीं थे, उससे आगे तक बढ़ा रखी थी। सिर्फ इस बात पे पुलिस वाले ने उनकी कितने दिन की कमाई बर्बाद कर दी। वो पुलिस वाला चाहता तो इन्हें चलान थमा सकता था, 200-300-400 रुपये का चलान करके या वार्निंग देके छोड़ सकता था कि दोबारा आऊँगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हक इस पुलिस वाले को किसने दिया? इस सिस्टम ने ही दिया ना। इस सिस्टम में जहाँ पर बुलडोज़र राज चलता हो वहाँ पर ऐसी खाकी वर्दियों का ये करना तो बहुत छोटी सी बात है। उसी तरह से आज़ादपुर मंडी के उस सब्जी वाले के साथ जो हुआ
बेटे को साथ लाया था, खाली रेडी लेके वापस जा रहा है, कह रहा है कि 100 रुपया दिन का भी नहीं बनता जबकि 4000 तो किराया देना होता है। अब जब से ये वीडियो आया है इसकी मेहनत इसकी सहायता करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं और उस लल्लन टॉप के उस रिपोर्टर से पूछ रहे हैं कि बताइए वो कहाँ पर है। सबसे पहला सैल्यूट तो लल्लन टॉप के रिपोर्टर को ही मैं कहूँगा कि आज की मीडिया का जो हाल है उसके बावजूद उन्होंने अपनी संवेदनशीलता दिखाई, किस तरह से सेंसिटिविटी दिखाई कि जब वो आदमी चेहरे से सब कुछ बोल रहा है तो कोई बीच में रोका टोकी नहीं किए, उसने उसके दर्द को बाहर निकलने दिया, चाहा कि और किसी तरह बोल के निकाल दे अपना दर्द ताकि उसका मन हल्का हो पाए, इसलिए उस लल्लन टॉप के उस रिपोर्टर को भी बहुत सलाम। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अब इस वीडियो के बाद से लोग जो है उसकी हेल्प करना चाहते हैं, महंगाई जो है डिस्कशन का मुद्दा बन गई कि हाँ यार क्या हो रहा है इस देश में, इतने गरीब आदमी कैसे मर रहे हैं, क्या मर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको याद है एक वीडियो और आया था मणिपुर का वो वीडियो आया जब पूरे देश में वायरल हुए, पूरे देश ने देखा, तो उसके बाद से मणिपुर लगातार सड़क से लेकर संसद तक मणिपुर डिस्कस हो रहा है, चौपाल से लेकर चाय की दुकान तक मणिपुर डिस्कस हो रहा है, मणिपुर पे बात हो रही है। उससे पहले मणिपुर की बात यदा कदा यूं ही चलते फिरते होती थी। तो मेरा सवाल ये है दरअसल आज का कि हमें इस देश को जगाने के लिए अब वीडियोज़ की ज़रूरत क्यों पड़ने लगी। एक ज़माने में कहा जाता था कि अगर देश को बदलना है तो समाज को जगाना होगा, अब तो हालत ये आ गई कि इस समाज को जगाने के लिए वीडियोस की ज़रूरत पड़ती है। जब मणिपुर का वीडियो आता है तो हम जोश में आ जाते हैं कि मणिपुर में गलत हो रहा है, ये हो रहा है। जब इस तरह सब्जी वाले का वीडियो आता है तो हम संवेदन हो जाते हैं कि देखिए अब बेचारे गरीब आदमी इस महंगाई में कितनी बुरी तरह से पिस रहे हैं। या जब उत्तर प्रदेश जैसे वीडियो आते हैं तो हम कहते हैं कि देखिए पुलिस वाले की गुंडागर्दी देखिए। लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद सब शांत हो जाता है, हम फिर उन्हीं कामों में लग जाते हैं और फिर वही गोदी मीडिया के झांसे में आते हैं जहां कहते हैं हमारा प्रधानमंत्री बॉस है, हमारे प्रधानमंत्री की ऑटोग्राफ लिए जाते हैं, और फिर वही झांसों में आ जाते हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री अगले टर्म में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था करने को कहते हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के दावे बड़े पुराने कर रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन हम ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था छोड़िए, पहले इस गरीब सब्जी वाले की अर्थव्यवस्था को तो संभालिए। देश के लिए 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इस देश के गरीबों को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन नहीं, क्योंकि वक्त के साथ मैंने कहा ना, इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है कि हम मेमोरी लॉस के शिकार हैं। 2 दिन के बाद 3रे दिन हम सब चीज़ें भूल जाते हैं और 3रे दिन से हम भी शुरू हो जाते हैं। जो मोदी भक्त है वो मोदी भक्ति में शुरू हो जाते हैं, वो हम जैसे जो भी पत्रकार हैं या जहां डिस्कशन होती है मोदी की वाहवाही सुनने के अलावा उन्हें कोई पसंद नहीं। जो मोदी की बुराई करते हैं उन्हें वो पाकिस्तान जाने की राय देते हैं। दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप है जो मोदी के खिलाफ है, वो चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी की बुराई हो, इसके अलावा कोई बात सुनने को राजी नहीं है। अगर कोई ना करे वो बात तो उन्हें भी गोदी मीडिया का स्टैंप लग जाता है। ये हो गया है हमारे देश का माहौल, ये संवेदनशीलता हमारी रह गई, इतने संवेदनहीन हो गए हम लोग कि हर चीज़ को आज की डेट में अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद भी कर रहा है तो उसे भी हम राजनीति की नज़र से देखने लगे हैं कि अच्छा ये तो बीजेपी वाला है, ये दूसरा पड़ोसी कांग्रेस का है, ये एक दूसरे की मदद क्यों कर रहे हैं, या तो वो बीजेपी में जाने वाला है या ये कांग्रेस में जाने वाला है, इसी नज़र से देख रहे हैं ना आजकल हम। या फिर कोई हिंदू मुसलमान दो पड़ोसी है आपस में कुछ मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, तो उसमें हमें या तो लव जिहाद नज़र आता है या फिर धर्मांतरण नज़र आता है, यही चीज़ नज़र आती है ना। इसी एंगल से सबसे पहले हम जब देखते भी हैं तो हमारी सोच ऐसी बना दी गई है इन 9 सालों में कि हमें दिखता ही नहीं है उसके अलावा कुछ कि ये इस तरह का एंगल धर्मांतरण लव जिहाद या फिर पार्टीबाजी, इसके आगे की हम सोचते ही नहीं हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बहुत उदास हूँ जी, मैं बहुत नेगेटिव हूँ। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में लिखेंगे कि नेगेटिव मत होइए, आप उदास मत होइए, हौसला मत छोड़िए। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं हौसला छोड़ रहा हूँ ना मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, लेकिन एक इंसानियत जब दिल से जगती है ना तब इस तरह की बातें निकलती है। और इसमें मैं आप लोगों से ज़्यादा अपनी कौम को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ, मेरी कौम मतलब पत्रकारिता की कौम। हम लोगों ने आपके दिमाग में ये सब भरा है, हमारी कौम ने ये भरा है,
मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम रिपोर्टर हुआ करते थे आज से 12-15 साल पहले, जैसे ही डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते थे, महंगाई बढ़ती थी, हमें तुरंत पेट्रोल पंप पे भेज दिया जाता था लोगों से बात करने के लिए, राहत चलते लोगों से बात करने के लिए भेज दिया जाता था महंगाई के लिए, सब्जी मंडी भेज दिया जाता था, जैसे वो ललन टॉप का रिपोर्टर पढ़ा कि बात करो महंगाई पे असर करो और लोगों से पूछो कितना असर पड़ रहा है महंगाई पे, कितना कुछ कर रहा है, और सरकार के खिलाफ जितना मटेरियल होता था सब लेके ऑफिस पहुंच जाते थे और चलता था, दबा के चलता था। ये होता था पत्रकारिता उस वक्त, सरकार से सवाल पूछे जाते थे कि क्यों इतने महंगाई, और सरकार के मंत्री भी जवाब देते थे। आज ये समझाया जाता है कि महंगाई सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान की महंगाई कम है ये दिखाने के लिए अमेरिका की सब्जी मार्केट दिखाई जाती कि वहाँ सब्जियाँ कितनी महंगी हैं। हमारी वित्त मंत्री प्याज लहसुन में महंगा क्यों हो रहा है ये बताने की बजाय ये कहती हैं कि मैं तो खाती नहीं, मुझे नहीं मालूम। एक सिंड्रेला मैडम लगातार सड़क पे सिलेंडर लेके बैठती थी, लेकिन आज जब सिलेंडर 1200-1300 रुपये का हो गया है तो मैडम सिलेंडर का 100 भी नहीं बोलती हैं, क्योंकि कोई जवाब दे नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। एक मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको, बात है 2004 के लोकसभा चुनाव की। मैं आज तक चैनल में तब काम करता था, पंजाब हरियाणा हिमाचल तीन स्टेट का ब्यूरो चीफ था, मैं चंडीगढ़ में था। तो चुनाव के दौरान लुधियाना में गोविंदा जो फिल्म स्टार थे वो कांग्रेस के नज़दीक आए थे, उनकी एक रैली थी, आपको मालूम है उस टाइम गोविंदा पीक पे थे, बहुत बड़े स्टार थे, तो उन्हें देखने के लिए बहुत हुजूम आया था उस रैली में। शाम की रैली थी, जो वहाँ कैंडिडेट थे शायद हेनरी कैंडिडेट थे, उनके समर्थन में वो रैली करने आए थे और स्टेज पे कुछ बोलना था और हल्का सा डांस किया उन्होंने, बहुत लोग आए थे उनको देखने के लिए। लेकिन जैसे ही शो खत्म हुआ अचानक से भीड़ मेरी तरफ मुड़ गई, मुझे नहीं मालूम, मैं डर गया, मुझे लगा शायद कुछ गलत फहमी हो गई है इनको आगे। लेकिन वो आए मेरे पास और मेरे से फोटोग्राफ्स मेरे साथ खींचने लगे और मुझसे ऑटोग्राफ का ज़माना हुआ करता था, उस वक्त सेल्फी नहीं होती थी, मुझसे ऑटोग्राफ लेने लगे। मैंने शुरू में ऑटोग्राफ दिए लेकिन बाद में मैं परेशान होकर पूछ बैठा कि भाई गोविंदा वहाँ हैं, आप उसको छोड़ के मुझसे क्यों ऑटोग्राफ ले रहे हैं, मैंने क्या किया है? तो किसी ने मुझे बताया कि साहब वो तो एक्टर हैं, आते हैं जाते हैं, आप पत्रकार हो, आप हमारी समस्याएं सरकार तक पहुंचाते हो, आप हमारी आवाज़ उठाते हो। तो पता चला कि कुछ दिन पहले पास में लगते गांव के में वहाँ पर जो पीने का पानी था वो एक फैक्ट्री से निकलने वाले पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूटेड वाटर की वजह से बहुत गंदा हो रहा था, और मैंने वो स्टोरी की थी, आधे घंटे का प्रोग्राम किया था, और उसके बाद वहाँ पर सरकार ने एक्शन किया था, उस फैक्ट्री पे फाइन किया था, उस फैक्ट्री को सील कर दिया था, उसका एहसान मान रहे थे वो लोग और मुझसे ऑटोग्राफ मांग रहे थे और गोविंदा को छोड़ के मेरे पास आ रहे थे। ये थे पत्रकारिता और ये था हमारा उस वक्त रुतबा। आज रुतबा क्या है? या तो गोदी मीडिया या पिद्दी मीडिया। जब पूछते हैं कि आप पत्रकार हैं, हाँ जी पत्रकार हैं, किस पार्टी से हैं, ये सवाल पूछा जाता है। तो ये आपका कसूर नहीं है, ये हमारी कौम का कसूर है। चैनलों पे बॉस चल रहे हैं, चैनलों पे मोदी महामानव चल रहे हैं, चैनलों पे विश्व गुरु चल रहे हैं। विश्व गुरु को ये हकीकत गरीबों की कोई दिखाने के लिए तैयार नहीं। आलम यहीं तक नहीं रहा, सिर्फ मैं ये सोच के हैरान हूँ कि एक वक्त था जब गांधी परिवार की कोई भी खबर बाहर नहीं आती थी, जो भी पद पे होता था, चाहे वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, चाहे राजीव गांधी प्रधानमंत्री थी, या सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष रहीं, राहुल गांधी भी पार्टी अध्यक्ष रहे, बस वो जो खबरें उस लेवल पे आती थी, उस पोस्ट के हिसाब से आती थी, जिस पद पे वो होते थे, जो बोलते थे वो चलती थी, लेकिन उनके घर के अंदर की कोई चीज़ें बाहर नहीं आती थी। लेकिन आज हालात क्या हो गए? आज हालात ये हो गए हैं कि उस परिवार पे इतना कीचड़ उछाल दिया गया, उस परिवार को इतना बदनाम कर दिया गया कि उन्हें अब अपने घर के अंदर की जो बातचीत है या अपने घर के अंदर का माहौल है या जो उनकी आपसी जो लोगों से मुलाकात कैसे करते हैं वो सब वीडियो बना के लोगों के सामने पेश करना पड़ रहा है, ताकि उनकी इमेज लोगों के दिमाग में जो बनाई जा रही है वो इमेज ना बने। सोचिए इस हालत तक इस देश को पहुंचा दिया गया। इनसे भी लगवाओ, इनसे भी, इनको भी लगवाओ, इनको भी ले जाओ। ठीक है, आप चलो हमारे साथ। प्रियंका जी, आप श्राद्ध किया ना?
ये राहुल भैया। आप बताओ क्या लगता है? शरीफ लगता है ना? हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, सबसे शरीफ। हाँ हाँ हाँ। दाल मैं खाती थी। मैं तो छोटी थी तो मैं नोट्स लेती थी या कभी कभी हाथ पकड़ लिया तो मैं डांस लगा देती थी, दिखता था तो ये मुझे ये गुस्सा मार देता था, पीछे दिखता ही नहीं था तो पिताजी को लगता था कि यही इसको तंग कर रही है। राजीव जी जाने के बाद उस स्थिति में मतलब कैसे मैनेज किया? भाई बच्चे भी थे, दुख बहुत गहरा था, बहुत गहरा था, चोट इतनी बड़ी छोड़ के आई थी बहुत समय के लिए, बहुत ही कई दिनों के लिए तो खाना पानी भी होती है, खाना भी नहीं, परेशानी बहुत आई, बहुत आई। चलो ये तो खुश है जिले तमोरा ऊपर वाला सब बुला कर सदिक रखे राम की। आप लड़की ढूंढ लो ना, हो जाएगी। ये चीज भी मिली, मतलब नई चीज ये मिली कि मतलब कुछ भी करना हो अगर मन बना दिया तो किया जा सकता, संघर्ष करना पड़ता है और हो जाता है। जैसे आपकी सिस्टर भी वो भी राजनीति में है, आपकी मदर भी जो आपकी दादी थी वो भी, तो इतनी स्ट्रॉन्ग महिलाएं आपकी फैमिली में, आपको कैसा फील होता है इनके प्रति? ऐसी सभी महिलाएं ऐसी होनी चाहिए? हाँ, किसी से डरना नहीं चाहिए, जो महिलाएं दब जाती है नहीं दबना चाहिए, बिल्कुल नहीं दबना चाहिए। महिला में कोई कमी नहीं होती, कोई दबने की जरूरत नहीं है, समाज दबाता है मगर आपको नहीं दबना चाहिए, जो दिल में आपको बोलना चाहिए बिना डरे, और काम तो जरूर करना चाहिए कोई ना कोई काम। यूं तो कुछ लोग कहेंगे कि राहुल गांधी के ये वीडियो जो घर के अंदर के दिखाए हैं जहां माँ बेटा बहन सब हैं, ऐसे पहले राहुल गांधी के और भी आए हैं मोटर मैकेनिक के साथ ट्रक में चलते हुए आए हैं, ज़रूर आए हैं। और कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो राजनीति का हिस्सा है, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं जैसे मोदी ने की है। जी हाँ, मैं उससे भी एग्री करता हूँ, लेकिन पहली बात तो कि घर के अंदर जहाँ तीनों एक साथ हैं, एक महिलाओं के साथ डिस्कशन है, ऐसा वीडियो पहले नहीं आया। राहुल गांधी के ज़रूर आए, मैं मानता हूँ कि जो ट्रक वाले और जो सब आप बोल रहे हैं, सबसे पहले तो आप इससे समझिए कि फ़र्क उन वीडियो में और इस वीडियो में सबसे बड़ा फ़र्क तो यह है। दूसरा यह है कि इस बात से भी मैं एग्री करता हूँ कि राहुल गांधी के वीडियोज़ भी राहुल गांधी की ब्रांडिंग के लिए आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके सामने जो आपने ब्रांड खड़ा किया है ना, वो तो इनसे 10 गुना 50 गुना कहीं ज़्यादा करते हैं। वो एक आम सभा को या आम जो एक फंक्शन है उसे भी इवेंट बना देते हैं। अब सोचिए जो इंसान अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक में टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के बोलता हो तो वो आदमी क्या नहीं कर सकता। एक छोटी सी बच्चों की सभा या बच्चों का जो संबोधन प्रधानमंत्री करते हैं उसे भी एक इवेंट बना दिया जाता है, एक रेडियो प्रोग्राम मन की बात को इवेंट बना दिया जाता है। आज का बताता हूँ आपको एग्जांपल, आज उनका कोई प्रोग्राम था, हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं और हमारे बच्चों को भी स्कूल की तरफ से फरमान आया कि बेशक आज छुट्टी है लेकिन आपको प्रधानमंत्री का वो कार्यक्रम ऑनलाइन ऑन करना है और उस प्रोग्राम देखते हुए सेल्फी खींच के स्कूल भेजनी है क्योंकि सरकार कभी भी उनसे रिकॉर्ड मांग सकती है। ये हो रहा है आज इस देश में, बच्चों को जबरदस्ती प्रधानमंत्री की बातें सुनाई जा रही हैं, उस प्रधानमंत्री की जिसे ये नहीं पता कि A+B² क्या होता है, उस प्रधानमंत्री की जिन्हें ये नहीं मालूम कि स्ट्रेंथ की स्पेलिंग क्या होती है, उन प्रधानमंत्री की जो इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल शब्द जैसे इस्तेमाल करते हैं। बेशक जुबान फिसल गई, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें प्रधानमंत्री ने जान के बोला वो इन्वेस्टिगेटिंग गर्ल वाली बात, लेकिन आपको ज़रूरत क्या थी इंग्लिश बोलने की? आप हिंदी में भी तो बोल सकते थे वहाँ अगर आपको हिंदी में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हिंदी में भी हमारे प्रधानमंत्री बहुत बार बहुत कुछ बोल जाते हैं लेकिन स्टूडेंट्स को क्या ज्ञान देंगे? सोचिए, क्लाउड की वजह से रडार में हमारे जो है प्लेन नहीं आएंगे, ऐसा ज्ञान बच्चों को देंगे कि क्लाउड की वजह से रडार काम करना बंद कर देते हैं? नाले से गैस खींच के चाय बना रहा है, इस तरह का ज्ञान देंगे? जो बच्चे बड़े हैं 11th-12th में पढ़ने वाले हैं वो तो हंसते होंगे प्रधानमंत्री की ऐसी बात पे, और जो छोटे बच्चे हैं वो सोचेंगे प्रधानमंत्री अगर बता रहे हैं तो सच ही होगा, वो भी किसी दिन ट्राई करेंगे। तो
तो जिस प्रधानमंत्री को बच्चों से दूर रहना चाहिए उन प्रधानमंत्री के प्रोग्राम को बच्चों को ज़बरदस्ती देखना पड़ता है। ये हो रहा है इस देश में, जबकि आज की तारीख में होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि सब्जी वाले का जैसे वीडियो सामने आया, इस तरह के और वीडियो जो सामने आए, प्रधानमंत्री को इसको एड्रेस करते हुए लोगों का संबोधन करना चाहिए था कि देखिए मैं मानता हूँ कि महंगाई की वजह से ये हो रहा है, लेकिन सरकार ये कदम उठाने वाली है, थोड़ी ढांढस तो उनको बनती। उससे भी पहले प्रधानमंत्री को मणिपुर के लोगों को संबोधित करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि भाई देश में सरकार है और आप इतने शिथिल क्यों बैठे हैं, क्यों आप जो है लोगों को नहीं बचा रहे, इसका जवाब दीजिए। आप लोगों को तो छोड़िए, आप तो संसद को जवाब देने को तैयार नहीं हैं। सरकार को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। आलम यह है कि एक विपक्ष का जो है वो दल आज वहाँ गया है, मणिपुर गया है, तो आपके मंत्री कह रहे हैं कि ये दल जो है राजनीति करने गया है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान क्यों नहीं जाता? अरे भाई, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मणिपुर में कुछ फ़र्क है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ में तो आप ही इतना कुछ बोल रहे हो, राजस्थान पे आप इतना कुछ बोल रहे हो, सरकार ने कार्रवाई कर दी, आप ही की एबीपी के आदमी थे जो उस घटना में शामिल थे, उनको पकड़ भी लिया, उन पर चार्जशीट भी दाखिल हो गई, 11 दिन में सब कुछ हो गया, अब और क्या चाहते हो? और मणिपुर में तो 90 दिन होने को आए, आपने सिर्फ एक गिरफ्तारी की, वो भी किसकी, कि जो उस वीडियो में जो आदमी दिख रहा था वो, दूसरी गिरफ्तारी की गई तब जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया, और किस आदमी की गई, उस आदमी की जिसने वो वीडियो बनाया था, जिसे शाबाशी मिलनी चाहिए थी उसको जेल में डाला गया। अगर वो वीडियो नहीं बनाता तो कैसे सारे हिंदुस्तान को, सारी दुनिया को पता लगता कि मणिपुर में चल क्या रहा है? उसे शाबाशी नहीं दी गई, उसे पुलिस के डंडे दिए गए हैं जेल के अंदर। तो इस सब का जवाब कौन देगा? इस सब का जवाब तो सरकार ही देगी ना, लेकिन नहीं, सरकार तो बिजी है इंडिया शब्द को हटाओ संविधान से, संविधान में संशोधन करो, अंग्रेजों का दिया शब्द है, क्यों? क्योंकि जो सामने आपकी सत्ता को चैलेंज कर रहा है विपक्ष, उसने अपने गुट का नाम इंडिया रखा है, इसलिए इंडिया शब्द की अब हम नहीं बोल सकते। तारीफ करेंगे तो यूं लगेगा कि हम उनके गठबंधन की तारीफ कर रहे हैं। एक शब्द से इतना जलन? आपके गठबंधन का नाम भी तो एनडीए है ना, एनडीए तो नेशनल डिफेंस एकेडमी भी है, जहां देश के अफसर पैदा होते हैं, जहां जो एकेडमी हमें देश का युवा अफसर देती है, उस पर तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि आपने एनडीए नाम क्यों रखा, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के साथ हो जाता है नाम। जब उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो इस इंडिया नाम से क्या दिक्कत है आपको? लेकिन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सब लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान में, हम जैसे पत्रकारों के ज्ञान में बह जाते हैं, सच्चाई मान लेते हैं, और एक एंगल जो हम आपको दिखाते हैं उसी एंगल से सोचते हैं, जो गोदी मीडिया दिखाती है उसी एंगल से सोचते हैं कि या तो हिंदू मुस्लिम होगा, या फिर लव जिहाद होगा, या फिर पार्टीबाजी होगी, बस इसके अलावा कोई तीसरा एंगल है ही नहीं। मानवीय एंगल तो है ही नहीं, ये मानवीय एंगल से तो मदद कोई एक दूसरे की कर ही नहीं सकता, ये तो गलत बात है। ये इस देश की इस वक्त सच्चाई है, बेशक कड़वी है, लेकिन सच्चाई यही है। फिलहाल प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको शायद मेरी बातें अच्छी ना लगे, आज नहीं भी लगे खैर कोई बात नहीं, क्योंकि लेकिन मुझे लग रहा था मुझे कहना चाहिए तो मैंने कह दिया। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपको अच्छी नहीं भी लगी बातें तो भी कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, ताकि आइंदा मैं भी समझ जाऊँ कि किस तरह की बातें मुझे करनी चाहिए, किस तरह की नहीं करनी चाहिए। नमस्कार।